हेलो स्टूडेंट्स, आज हम फिर आपके सामने लेकर आए हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, पदार्थ धातु एवं अधातु। इस लेसन के पहले पार्ट में हमने धातु और अधातुओं के भौतिक गुणों के बारे में चर्चा की थी। प्यारे बच्चों, धातु और अधातुओं का वर्गीकरण हम रासायनिक गुणों के आधार पर भी कर सकते हैं। रासायनिक गुणों से अभिप्राय ऐसे गुण जो रासायनिक अभिक्रियाओं में पदार्थ दर्शाते हैं। रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं? जिनके अंदर कोई पदार्थों की प्रकृति के अंदर परिवर्तन हो, उनकी अवस्था में परिवर्तन हो, उसके गंध में परिवर्तन हो। धातु और अधातु कौन कौन से रासायनिक गुण दर्शाते हैं देखिएगा। सबसे पहले तो हम धातुओं के रासायनिक गुण, इन पर चर्चा करने के लिए हमारी जितनी भी धातुएं हैं वो ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके धातुओं के ऑक्साइड बनाती हैं। आपको बताया गया था कि धातुएं बहुत क्रियाशील होती हैं। जैसे एक उदाहरण है, यहाँ फेरस यानी लोहा, आयरन, Fe इसका सूत्र है, यह ऑक्सीजन के साथ क्रिया करता है तो फेरस ऑक्साइड बनता है, Fe3O4, तो इसका निर्माण होता है। ये क्या हुआ, फेरस धातु है, O2 ऑक्सीजन है और ये धातु का हमारा ऑक्साइड है। अधातुएं भी ऑक्सीजन के साथ क्रिया करती हैं और ऑक्साइड बनाती हैं। दोनों के ऑक्साइड में क्या परिवर्तन होता है यह जानने से पहले हम एक अधातु के ऑक्साइड निर्माण की प्रक्रिया को देखते हैं। ये देखिएगा, सल्फर एक अधातु है यानी गंधक, ये ऑक्सीजन के साथ मिलकर के सल्फर डाइऑक्साइड बनाती है। ये हमारा सल्फर का ऑक्साइड है, धातु का ऑक्साइड और सल्फर का ऑक्साइड। धातुएं भी ऑक्साइड का निर्माण करती हैं और अधातुएं भी ऑक्साइड का निर्माण करती हैं, लेकिन दोनों में मूल अंतर क्या है, धातुओं के ऑक्साइड उनकी प्रकृति क्या होती है, क्षारीय। क्षारीय यानी कड़वे। कड़वे का मतलब क्या हुआ, अगर इनके अंदर हम सूचक का प्रयोग करेंगे तो ये लाल लिटमस को नीले में परिवर्तित कर देंगे, ये ध्यान रखेंगे। यानी धातुओं के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं और लाल लिटमस का प्रयोग किया जाए तो उसको नीले में बदल देते हैं, और इसके विपरीत अधातु जो है, अधातुओं के ऑक्साइड, इसका जो ऑक्साइड बना ये अम्लीय होता है। और अम्लीय की जांच हम कैसे करते हैं, अम्लीय पदार्थों की, ये नीले लिटमस को लाल में परिवर्तित कर देते हैं। तो धातु और अधातुओं के रासायनिक गुणों को जब हमें लिखना हो एक टेबुलेटेड फॉर्म में, एक सारिणी बनाकर लिखना हो, तो पहली पंक्ति में एक एक उदाहरण देंगे, दूसरा फिर इनके ऑक्साइड क्षारीय होते हैं, ये लाल लिटमस को नीले में बदलते हैं, फिर दूसरी ओर लिखेंगे अधातुओं की ओर, इनके ऑक्साइड अम्लीय होते हैं, ये नीले लिटमस को लाल में बदल देते हैं, फिर ये लिखेंगे। अब आइए, ये थी हमारी ऑक्सीजन के साथ क्रिया धातु और अधातुओं की। अब हम अध्ययन करते हैं इनकी पानी के साथ, जल के साथ क्रिया। जल क्या होता है, H2O। देखिए, ये सोडियम एक धातु है और बहुत ही क्रियाशील धातु है, और ये पानी के साथ क्रिया करके सोडियम के हाइड्रोक्साइड बनाती है और हाइड्रोजन गैस बनाती है। अधातुओं में लगभग इस प्रकार की कोई क्रिया देखने को नहीं मिलती। तो धातु और अधातुओं का जल के साथ क्रिया का रासायनिक अंतर क्या होगा, हमारी जितनी भी धातुएं हैं जल के साथ क्रिया करके हाइड्रोक्साइड बनाती हैं और ये हाइड्रोक्साइड अस्थाई होते हैं। तो अधातुएं हमारी जल से क्रिया नहीं करती और उनके ऑक्साइड अगर बनते हैं तो वो स्थाई होते हैं। अभी हमने अध्ययन किया कि धातुएं ऑक्सीजन से क्रिया करती हैं, जल से क्रिया करती हैं। हमारे दैनिक जीवन में धातुओं की जल से और ऑक्सीजन से क्रिया करने के अनेक उदाहरण देखने को मिलते हैं।
परीक्षा की दृष्टि से भी एक सवाल बहुत महत्वपूर्ण हमारे से बार बार पूछा जाता है, वो लोहे को जंग लगने से संबंधित है। जंग क्या होता है, लोहे को जंग क्यों लगता है, कैसे लगता है, किन स्थितियों में लगता है, इससे बचाव के क्या क्या उपाय होते हैं। प्यारे बच्चों, लोहा भी एक धातु है और धातुएं बहुत क्रियाशील होती हैं। अभी हमने उदाहरणों से समझा था, धातुएं ऑक्सीजन से क्रिया करती हैं, धातुएं जल से क्रिया करती हैं। इसी प्रकार से लोहा धातु भी हमारा जल और ऑक्सीजन दोनों से क्रिया करता है और उसका लोहे और जल, जल से अभिप्राय केवल हम पानी को डालें या पानी में मिलाएं उससे नहीं होता, वायु में भी जल के कण नमी के रूप में उपस्थित होते हैं, उनसे भी हमारा लोहा क्रिया कर लेता है। आपने देखा होगा हमारे लोहे का कोई भी सामान, हमारे लोहे के दरवाजे खिड़कियाँ कुछ समय तक खुले रखे जाएं तो उनमें जंग लग जाता है, एक लाल परत चढ़ जाती है, वह वास्तव में जंग होता है। वह क्यों लगता है उस प्रक्रिया को समझेंगे। देखिएगा, ये फेरस यानी लोहा, इसके साथ मिलती है हमारी ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कहाँ से मिलती है, हमारी वायु के अंदर स्वतंत्र रूप से ऑक्सीजन गैस होती है, वो हवा की ऑक्सीजन से संपर्क करता है और इसी प्रकार से हवा में नमी भी होती है, पानी के वाष्प कण भी होते हैं, तो वायु से ऑक्सीजन और नमी दोनों चीज़ें मिलती हैं और इसी से फेरस ऑक्साइड और फेरिक ऑक्साइड बनकर के लोहे पर जंग लगता है। और इस जंग की प्रकृति कैसी होगी, अम्लीय क्षारीय। लोहा एक धातु है, धातुओं के ऑक्साइड कैसे बताए गए थे, क्षारीय, तो ये भी क्षारीय होते हैं। इसके बारे में आप एक क्रियाकलाप भी कर सकते हो, लोहे की किसी भी वस्तु को जंग लगने के लिए हवा और नमी यानी ऑक्सीजन और नमी दोनों की आवश्यकता होती है। इसको हम कैसे सिद्ध करेंगे, इनमें से एक भी तत्व उपस्थित नहीं होगा तो लोहे को जंग नहीं लगेगा। आप 3 टेस्ट ट्यूब लें, टेस्ट ट्यूब कांच की पारदर्शी लैब से आप ले सकते हैं, 3 लोहे की कील लीजिए। पहली टेस्ट ट्यूब में आप पूरे कील को डालिए, बिल्कुल साफ कील हो, नई कील हो जिस पर जंग नहीं लगा हो, और उसके अंदर कैल्शियम क्लोराइड के कुछ दाने डाल दीजिए और कॉर्क लगा करके उसके मुंह को बंद कर दीजिए और कुछ दिन के लिए उसे छोड़ दीजिए। कैल्शियम क्लोराइड क्या काम करेगा, वो हमारी वायु में उपस्थित नमी को सोख लेगा, जिसके कारण से उस टेस्ट ट्यूब में वायु में नमी नहीं रहेगी, पानी है ही नहीं उसके अंदर, पानी भी नहीं है और कैल्शियम क्लोराइड डालने से उसमें नमी नहीं रही, तो उसको बंद करके रखेंगे तो कुछ दिन बाद देखेंगे कि उस कील को जंग नहीं लगा। क्यों, क्योंकि उसमें जल वाष्प की, जल के कणों की नमी की उपस्थिति नहीं थी। दूसरी टेस्ट ट्यूब में इस प्रयोग को कर सकते हैं हम, क्या केवल पानी डाल दिया जाए, केवल पानी लोहे को उपलब्ध करा दिया जाए तो क्या जंग लग सकता है। इसके लिए एक प्रयोग करें, आप दूसरी टेस्ट ट्यूब लें, उसमें उबला हुआ पानी डालें, उबाल करके ठंडा किया हुआ। उबालने से क्या होगा, जैसे ही पानी को हम उबालते हैं, पानी में गैस मिली हुई होती है, हवा के बुलबुले होते हैं, उनमें ऑक्सीजन होती है। अगर हम पानी को गर्म करेंगे तो पानी की हवा, पानी की ऑक्सीजन निकल जाएगी। फिर उस टेस्ट ट्यूब में उस पानी में कील को डुबो दें और ऊपर से कार्क लगा दें। फिर आप 6-7 दिन बाद देखेंगे कि उस कील में भी जंग नहीं लगा। क्यों नहीं लगा, इसमें पानी तो है लेकिन कील को क्रिया करने के लिए, रासायनिक अभिक्रिया पूर्ण होने के लिए उसे ऑक्सीजन नहीं मिली, इसलिए भी इस कील में जंग नहीं लगा। आप इसी प्रयोग को, पूरी प्रक्रिया को जांचने के लिए तीसरी टेस्ट ट्यूब लीजिए, उसके अंदर आप सिंपल साधारण पानी डालिए। साधारण पानी का मतलब उसमें नमी है और उसमें वायु भी मिली हुई है, और उसमें कील को इस प्रकार से डालिए कि आधी पानी में डूबी रहे और आधी कील ऊपर रहे। उसको आप 5-6 दिन बाद देखेंगे तो उस कील पर जंग लग जाएगा। तो इस क्रियाकलाप से सिद्ध होता है कि लोहे को जंग लगने के लिए हमें नमी की भी आवश्यकता होती है, जल की भी आवश्यकता होती है और हवा की भी।
धातुओं की यह जंग लगने की प्रक्रिया संक्षारण कहलाती है। प्यारे बच्चों, संक्षारण के कारण धातुएं धीरे धीरे समाप्त होती रहती हैं। उनका जो चमक का गुण है, उनका जो मजबूती का गुण है, कठोरता का गुण है, वो नष्ट होता रहता है। इसलिए धातुओं के इस गुण को बनाए रखने के लिए धातुओं के उपकरणों को, मशीनों को, वस्तुओं को संक्षारण से बचाना बहुत जरूरी होता है। और उससे कैसे बचाया जाता है, उसका एक तरीका होता है पेंट करके। आपने देखा होगा घरों में दरवाजे खिड़कियां हैं, उनको पेंट कर देते हैं। पेंट करने से क्या होगा, उनके ऊपर एक हल्की हमारी धातु और वायु नमी के बीच में परत बन जाएगी, आवरण बन जाएगा, रुकावट बन जाएगी। इससे ऑक्सीजन और नमी उस धातु के संपर्क में नहीं आएगी और संक्षारण नहीं होगा। अगर पेंट नहीं करना हो तो उसका दूसरा तरीका है, उनको चिकनाई लगा करके, ग्रीस लगा करके, जैसे आप लोहिया की किसी दुकान पर जाएंगे, लोहे की कोई चीज़ कील या सामान खरीदेंगे तो हाथ लगाएंगे तो हाथ काला हो जाता है। क्यों होता है, उसके ऊपर तेल की हल्की सी परत चढ़ जाती है, और तेल की हल्की परत चढ़ी होने के कारण या ग्रीस लगे होने के कारण नमी के कण, वाष्प के कण धातु के संपर्क में नहीं आते और हमारी धातुएं संक्षारण से बच जाती हैं। एक और तरीका है तीसरा, धातुओं का यशद लेपन करके। यशद लेपन से अभिप्राय क्या है, जैसे हमारी लोहे की चादरें, टीन वगैरह होती हैं, अब उनके ऊपर ग्रीस लगाएंगे तो सारा का सारा हमारे हाथों को, हम उसके नीचे रहेंगे, हमें प्रभावित करेगा, हमारे रहने के कपड़े वपड़े इन सामान सबको प्रभावित करेगा। तो उनको क्या होता है, जिंक के घोल में डाला जाता है और निकाल लिया जाता है। तो जिंक का घोल उस चद्दर के ऊपर लिपट जाता है, एक तरह से वो भी वायुरोधी, जल रोधी आवरण का काम करता है और हमारी धातुएं संक्षारण होने से बच जाते हैं। विद्युत लेपन एक चौथा तरीका है, यह भी इसी प्रकार से अपनाया जाता है। जैसे हमारे साइकिल के हैंडल, साइकिल के रिम, घंटियां, उनके ऊपर क्रोमियम या निकेल की परत विद्युत लेपन विधि का उपयोग करते हुए चढ़ा दी जाती है। इससे भी वायु और नमी का संपर्क उनसे नहीं हो पाता और हमारी वो धातुएं संक्षारित होने से बच जाती हैं। इसका एक और मुख्य प्रचलित तरीका है मिश्र धातुएं बनाना, यानी धातुओं के अंदर, जैसे लोहा बहुत तेजी से संक्षारित होता है, इसके अंदर निकेल क्रोमियम की कुछ मात्रा मिला दी जाए तो स्टेनलेस स्टील बन जाएगा और स्टेनलेस स्टील संक्षारित नहीं होता। मिश्र धातु बना करके भी हम हमारी मूल धातुओं को संक्षारित होने से बचा सकते हैं। धातुओं के और रासायनिक गुणों पर आइए हम चर्चा करते हैं। पहले हमने पढ़ा था धातुओं की वायु के साथ क्रिया, ऑक्सीजन के साथ क्रिया, जल के साथ क्रिया। अब हम देखते हैं अगर हमारी धातुएं अम्लों के साथ अभिक्रियाएं करेंगी तो क्या होगा। जैसे एक उदाहरण है यहाँ सोडियम, सोडियम के ऊपर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये नमक का अम्ल है, ये सोडियम, सोडियम का सूत्र है Na, मिला दिया जाए तो क्या बनता है, सोडियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस। ये ऊपर तीर का निशान, इसका अभिप्राय क्या है, ये गैस है और वायु से हल्की है, ऊपर की ओर उठेगी यानी। और दूसरा क्या है, देखिएगा फेरस, आयरन, आयरन के साथ भी अगर हम अम्ल मिला दें, नमक का अम्ल, तो क्या होगा, हमारा आयरन क्लोराइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस बनेगी और ये भी गैस है। आपने पिछली कक्षाओं में हाइड्रोजन बनाने की विधियाँ पढ़ी होंगी, तो हाइड्रोजन बनाने के लिए क्या करते हैं, इसी विधि का प्रयोग करते हैं। किसी भी धातु को लेकर के उसकी अम्ल से क्रिया करेंगे तो हाइड्रोजन मुक्त होती है। तो ये समीकरण, ये रासायनिक अभिक्रियाएं आपको गैस बनाने की विधि में भी काम आएंगी, इस बात का हमें ध्यान रखना है। तो जब भी धातुएं अम्लों के साथ क्रिया करती हैं तो उस धातु के लवण बनते हैं। अगर सोडियम के साथ क्रिया की तो सोडियम का लवण, आयरन के साथ क्रिया की तो आयरन का लवण। जब भी धातुएं अम्लों के साथ क्रिया करेंगी तो लवण बनाएंगी और हाइड्रोजन गैस बनाती हैं। और अधातुओं के बारे में क्या है, वे प्रायः अम्लों के साथ क्रिया, रासायनिक क्रियाएँ नहीं करती। लकड़ी के ऊपर अम्ल डालेंगे, रासायनिक क्रियाएँ नहीं होंगी। प्लास्टिक के ऊपर अम्ल डालेंगे, रासायनिक क्रियाएं नहीं होंगी। तो हमारी ए धातुएं अम्लों के साथ क्रिया नहीं करती। अब क्षारों के साथ क्रिया के बारे में देखते हैं अगला उदाहरण, जैसे जिंक है, जिंक भी एक धातु है और सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसके साथ इसका मेल करते हैं, इसको मिलाते हैं आपस में,
तो देखिएगा क्या बनता है, बिल्कुल हम लोग के साथ क्रिया हुई थी उसी तरह से ही है। अगर अम्ल के साथ क्षार को मिलाया जाए तो उस धातु का लवण बनेगा, सोडियम जिंकेट और हाइड्रोजन गैस बनेगी। इसी प्रकार से अधातुएं भी क्षारों से क्रियाएं नहीं करती। तो ये हमारे धातुओं के कुछ रासायनिक गुण थे। विज्ञान के अंदर समीकरणों का प्रयोग आपकी कक्षा के हिसाब से नया है, लेकिन अगर हम इन्हें ध्यान से देखेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे, तो ये समीकरण एक बार सीखने से हमारी रासायनिक अभिक्रियाएं सहजता से समझ आ जाती हैं। उम्मीद है आपको ये विषय समझ में आया होगा। अगर किसी भी प्रकार की कोई शंका है तो कमेंट बॉक्स में लिखें, हम उनको हल करने का प्रयास करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं आपसे फिर, बाय।